वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है, आर पार हमारा है, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारतीय जनता युवा मोर्चा जिंदाबाद। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभासाक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में गुरुवार को अपने 3 नेताओं की हत्या से गमगीन भारतीय जनता पार्टी ने आज श्रीनगर में पार्टी मुख्यालय पर शहीद नेताओं को भारी मन से श्रद्धांजलि दी। पार्टी नेताओं ने अपने भाषणों में कहा कि यह शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी और केंद्र शासित प्रदेश से आतंकवाद का पूरी तरह खात्मा किया जाएगा। भाजपा कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार से यह अपील भी की कि घाटी में नेताओं और कार्यकर्ताओं को सुरक्षा दी जानी चाहिए। उल्लेखनीय है कि दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में वाईकेपुरा क्षेत्र में गुरुवार देर शाम को आतंकवादियों ने भाजपा नेताओं फिदा हुसैन, उमर हाजम और उमर रशीद बेग की गोली मारकर हत्या कर दी थी। लश्कर ए तैयबा से संबद्ध संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने इन हत्याओं की जिम्मेदारी ली। आईजी पुलिस विजय कुमार ने कहा है कि पुलिस ने हमले में प्रयुक्त हुए वाहन को जब्त कर लिया है और यह हत्याएं पाकिस्तान के इशारे पर की गई हैं। आइए दिखाते हैं श्रद्धांजलि सभा में नेताओं ने क्या कहा और सभा के बाद पार्टी के स्थानीय नेता किस तरह आतंकवाद के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त कर रहे थे, जब प्रभा साक्षी संवाददाता ने उनसे उनकी प्रतिक्रिया जानी चाहिए। ये कांटों वाला रास्ता है, ये फूलों वाला रास्ता नहीं, ये उन पॉलिटिकल पार्टियों की तरह नहीं है जिनका आले पहले ही प्लेटफॉर्म बना है और जो गोल्डन स्पून मुंह में लेके ही पैदा हुई है। हमारी एक कठिन रास्ते पे जो सफर हमारा जारी है, क्योंकि हम वो कह रहे हैं जो यहाँ अदर पॉलिटिकल पार्टी नहीं कह रही है। हम चाइना का सपोर्ट नहीं कर रहे, हम पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं कर रहे, हम यहाँ भारत माता के जय के नारे लगा रही है, हम हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा। इसलिए हमारे लिए जो परिस्थितियां हैं, जो यहाँ के कंडीशन है वो बहुत सख्त। हमारे जो नेता जिन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर शहादत दी, हमने आज उनको यहाँ पर याद किया कि जिस तरीके से तिरंगे की लड़ाई और तिरंगे के लिए तिरंगे को बुलंद करके रखा और उन्होंने आतंकवाद से लड़ाई भी लड़ी और तिरंगे को छोड़ा नहीं, भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही होने का एक परीक्षा दी। मैं समझता हूं कि बेगुनाहों को मार के कुछ हासिल होने वाला नहीं है। एक इंसान का कत्ल करना पूरी इंसानियत का कत्ल है और मेरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से दरख्वास्त रहेगी कि मेहरबानी करके जो यहाँ पर कश्मीर में खास करके ग्रास रूट लेवल पे जो पॉलिटिकल वर्कर काम करते हैं उनको सिक्योरिटी और एकोमोडेशन फराहम करनी चाहिए, क्योंकि ये बंदा ऐसा है जो देश का तिरंगा लेकर सड़क पे आता है और अपने देश आन बान शान को कायम रखता है। तो मुझे लगता है अफसोस होता है जब इस तरीके की जो मिलिटेंट अटैक्स होते हैं उसमें हमारे कार्यकर्ताओं की जान जाती है। आगे इस तरीके के इंसिडेंट रोकने के लिए मुझे लगता है खास करके हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह साहब को इस पे कड़े इकदाम लेने पड़ेंगे। मैं आपको वही बताऊंगा, अभी ऑल वर्सेस बीजेपी हो गया है, आपको पता है, क्योंकि जब से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने यहाँ पर लोगों के हाथ में जो ताकत है, चाहे वो पंचायती राज है, चाहे वो बीडीसी के चुनाव है, चाहे अर्बन लोकल बॉडीज़ के, अब जो ये जो डेमोक्रेसी है ग्रास रूट लेवल पे अभी आ रही है, जिसकी वजह से कुछ लोगों को ये रास नहीं आ रहा है। आपने देखा हजारों की संख्या में परसों तिरंगा यात्रा में कश्मीरी नौजवान आए, तो कहीं ना कहीं इस फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए और बीजेपी को दबाने के लिए इस तरीके से जो कार्यकर्ताओं की मौत वाक्या की जा रही है। लेकिन इससे मुझे नहीं लगता है भारतीय जनता पार्टी कहीं रुकने वाली है, बल्कि इससे जो एक कार्यकर्ताओं को आप मारेंगे तो 10 कार्यकर्ता हमारे खड़े हो जाते हैं। तो खाली अगर कंसर्न है यहाँ पर वो है अभी सिक्योरिटी का, ये क्योंकि सिक्योरिटी लैप्स में समझता हूँ जो परसों हुए, इतना होने के बावजूद भी जो पिछले हमारे 3 बड़े अहदेदार जो फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहा था शहीद वसीम बारी, उसको मारने के बाद मुझे लगता है सिक्योरिटी एजेंसीज़ को सतर्क होना चाहिए था और आने वाले वक्त में फ्यूचर में इस तरीके जो इंसिडेंट है वो रोके जाने चाहिए थे, लेकिन बदकस्मती से वो रोके नहीं जा रहे। अभी भी नहीं पता है आगे क्या होने वाला है, कल क्या होगा। तो मुझे लगता है यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
मीडिया को और ख़ास करके हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह साहब को चाहिए वो कड़े इकदाम इस पे लिए और पॉलिटिकल वर्कर को ख़ास करके सिक्योरिटी फराहम करे। देखिए कल जो तीन हमारे युवा मोर्चे के जो कार्यकर्ता शहीद हुए वे बिल्कुल सिक्योरिटी लैब से, क्योंकि हमने कंसर्न एसपी की नॉलेज में लाया था और रिटन हमने उसको कहा था कि इन लोगों को सिक्योरिटी की ज़रूरत है, इनको सिक्योरिटी थ्रेट है। इवन उस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने यहाँ तक उसको कहा कि जो मेरी गारत जो होम गारत मेरी ड्यूब है उसको फराम के, लेकिन वहाँ एक गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट कंसर्न एसपी की तरफ से ये आ रहा है कि जब कुछ होगा तब देखा जाएगा। अब मैं कंसर्न एसपी डीजी साहब और आईजी साहब से ये सवाल पूछता हूँ, क्या ये एसपी साहब इसी बात का वेट करे थे तीन तीन लोग शहीद हो तब वो इनकी कब्रों पे सिक्योरिटी लगा दे? ये पूरा सिक्योरिटी लैपस है, जानबूझ कर किया हुआ वाका है, इसके लिए कंसर्न एसपी को सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए, क्योंकि उसकी लापरवाही और उसकी गलती की वजह से हमारे तीन लोग मारे गए। और इतना ही नहीं, इस एरिया में विद इन 3 किलोमीटर की स्ट्रिप में 6 हमले होते हैं, 5 लोग हमारे मारे जाते हैं, लेकिन आज तक कंसर्न एसपी टास्क से मस्त नहीं हो रहा है, वो अपनी मस्ती में मगन है, उसको वहाँ के कार्यकर्ता जो भाजपा के कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं उनकी तरफ कोई फिक्र नहीं है, वो अपनी ही दुनिया में मगन है। देखिए ज़रूरतें हर किसी की होती है और हम भी चाहते हैं कि हमने भी अपने कार्यकर्ताओं को कहा है कि एहतियात के साथ रहे, लेकिन ज़रूरतें हर किसी की होती है, क्योंकि जिन हाउसों में उनको रखा गया है उनको लगता है कि वहाँ वो डेस्टिनेशन में है, वो सेफ हाउसेज में नहीं, ज़रूरतें होती है, हो सकता है कि उसको भी कोई ज़रूरत पड़ी होगी और वो उस ज़रूरत से निकला होगा, लेकिन ये इस बात का इलाज नहीं, इस बात का इलाज है कि अगर ये लीडर निकला होगा इसके लिए हमने सिक्योरिटी मांगी है, अगर इसके साथ 2 आदमी होती तो आज ये एपिसोड नहीं होता। कुछ दिनों में जब से बीजेपी बनी है मुल्क भर में तो उन्होंने कुर्बानियाँ दी है, अब बारी आए है कश्मीर में, तो कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कुर्बानी पेश करते हैं, ये उनको थोड़ा मुश्किलात हो गए, उनको एक दशका लगा है भाजपा यहाँ कश्मीर में कैसे चल पाता है, दिन ब दिन ये कैसे आगे बढ़ जाता है, कल का सरकार भारतीय जनता पार्टी ही बनाएंगे, उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो गई, और जो हमारा पड़ोसी मुल्क उनके लिए भी प्रॉब्लम है, उनका एक मुद्दा था वहाँ पड़ोस में कि कश्मीर का मुद्दा छाया रहे, लेकिन कश्मीर में जो ज़्यादातर युवा वर्ग है वो ज़्यादातर लाइक करता है भारत को, हम भारतीय हैं, भारत के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। हौसले कैसे पास होगा? अगर हौसले पास हो तो फिर हम भाजपा में आ जाता नहीं, जब भाजपा में आए इसलिए आए हैं, ये दो ही वर्ड है, या तो शहीद होना या तो गाजी बनना, और तीसरा तो है ही नहीं कुछ। सिलेंडर करने वालों से हम है नहीं, जब भी हम बात करें भारत जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की जय। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी शुरुआती दौर से ही शहादतें देखी हैं, चाहे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हों, चाहे वो आज के समय पर ये जो पाकिस्तान ने आतंकी भेज करके भारतीय जनता पार्टी और भारत माता की जय के नारे लगाने वाले कार्यकर्ताओं को रात के अंधेरे के अंदर मारने का और उनके हौसले पस्त करने का जो काम किया है, उससे भाजपा का कार्यकर्ता रुकने वाला नहीं है, और इसी तरीके से पूरे कश्मीर के अंदर, पूरे भारत के अंदर भारत माता की जय के नारे बुलंद हैं, परंतु पाकिस्तान इंसानियत का दुश्मन है, ये इसने समय समय पर सिद्ध किया है। जिस तरीके से 3 दिन पूर्व ही पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के अंदर पाकिस्तान के मंत्री ने ओन किया पुलवामा का घटनाक्रम, जिस तरीके से पाकिस्तान पहले भी आतंकी घटनाएं करते आ रहा है, पाकिस्तान इंसानियत का दुश्मन है, और पाकिस्तान के विरुद्ध जिस तरीके से यहाँ के लोगों ने एक स्वर के अंदर भारत माता की जय का नारा और उस भाव को लेकर के चले हैं, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, हर एक कार्यकर्ता इस बात के लिए लड़ने और मरने के लिए तैयार है।